उन्नाव में बेखौफ अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। नकाबपोश बेखौफ बदमाशों ने रोडवेज की वर्कशॉप को अपना निशाना बनाते हुए तमंचे के बल पर 23 लाख से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है, जहां पुलिस को खुलेआम चेतावनी देते हुए नकाबपोश हथियार बंद बदमाशों ने रोडवेज की वर्कशॉप में घुसकर 23 लाख रुपए से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया। ऐसा तब है जब रोडवेज की वर्कशॉप से महज 100 मीटर की दूरी पर ही पुलिस चौकी थी। वर्कशॉप में कैश जमा करते समय 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश रोडवेज के कैश रूम में घुस गए और कई दिनों का जमा कैश लूटकर फरार हो गए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने कैशियर और एक अन्य रोडवेज कर्मी पर तमंचे से हमला कर घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस तुरंत मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की गंभीरता को समझते हुए पुलिस अधीक्षक उन्नाव भी तुरंत मौके पर पहुंचे और सभी से पूछताछ कर मामले की जांच में लगे हुए हैं। वर्कशॉप में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खराब पाए गए हैं। रोडवेज वर्कशॉप में 7:30 बजे के आसपास की वारदात हुई है, जिसमें 3 लोगों के सम्मिलित होने की सूचना मिल रही है और अभी वो पंजीकृत करके लूट का खुलासा किया गया है कि अभी 20-22 लाख की लूट बता रहे हैं। एग्जैक्ट उनका जो कैश है उसका जब वो डिटेल अपने नोट करके बताएंगे तो मैं एग्जैक्ट फिगर उनके सामने लगाएंगे। देखिए, अभी तो हमको सूचना मिली है, वो पुलिस छानबीन करेगी और जो भी इफेक्ट होंगे जल्दी ही खुलासा किया जाए। उन्नाव से पंकज कुमार की रिपोर्ट।